हेलो, कैसे हैं आप लोग? आज फिर मैं मटन की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि बहुत ही आसान है। इसके लिए मैंने थोड़ा सा मसाला लिया है, सारा खड़ा मसाला है। दो तेज पत्ता है, खड़ी लाल मिर्च है, खड़ी काली मिर्च है, खड़ा गरम मसाला है। यहाँ पे दो मैंने लहसुन का गाँठ लिया है, उसको बारीक काट लिया है, और यहाँ पे अदरक है, उसको भी बारीक काट लिया है। मैंने आधा किलो के करीब प्याज लिया है और बारीक बारीक इसको भी काट लिया है। और ये है 3 पाव के करीब मटन, तो इसको मैंने वॉश कर लिया है। अब इसमें हल्दी, नमक, धनिया पाउडर और नमक मिला करके हम इसको रखेंगे। और इसमें एक सीक्रेट चीज़ डालना है, वो है सरसों का गरम तेल। जी हाँ, बिल्कुल खौलता हुआ तेल, गरम तेल हम इसमें मिलाएंगे और मिला करके इसको 2-3 मिनट के लिए रख देंगे। तो देखिए, यहाँ पे हमारा जो सरसों का तेल है गरम हो चुका है। इस तरीके से धीरे धीरे मिला लेना है और चम्मच की सहायता से हम इसको मिलाएंगे, क्योंकि तेल जो है बहुत गर्म है तो शायद हाथ जल सकता है। अब ये पतीली भी है, गर्म हो चुकी है। अब हम इसमें तेल डालेंगे। जी हाँ, वही 1 चम्मच दाल वाले से सरसों का तेल डालना है। अब हम इसमें जो थोड़ा सा हमने तेज पत्ता, लाल मिर्च, काली मिर्च रखा था उसको डालेंगे। 2 इलायची, 2 लौंग, थोड़ा सा दालचीनी डाल करके इसको अच्छे से पहले भून लेंगे। और उसके बाद हम इसमें प्याज बारीक कटा हुआ डालेंगे और गुलाबी होने तक इसको हम भून लेंगे। तो देखिए, ये जो मसाला है ये धीरे धीरे भून चुका है। अब हम इसमें लहसुन डालेंगे जो मैंने काट के रखा था, और अदरक भी डालेंगे और इसको गुलाबी होने तक भूनेंगे। तो देखिए, ये लहसुन जो है और अदरक है वो धीरे धीरे भून रहा है। और जब ये अच्छे से गुलाबी हो जाएगा तब हम इसमें प्याज डालेंगे बारीक कटा हुआ, और इसको भी हल्के आंच पे गुलाबी होने तक भूनेंगे। तो देखिए, हमारा जो प्याज है वो धीरे धीरे भुन रहा है। यहाँ पे हम खड़ा गरम मसाला को कूट लेंगे। बारीक नहीं कूटना है, दरदरा ही रखना है, और इसको हम 2 हिस्से में डालेंगे। तो अब यहाँ पे प्याज जो है देख लेते हैं, प्याज अच्छे से भुन चुका है, गुलाबी हो चुका है। अब हम इसमें मटन के पीसेस डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने मटन के सारे पीसेस डाल दिए हैं धीरे धीरे करके, ताकि मटन जो है प्याज में अच्छे से मिक्स हो जाए। और अब हम यहाँ पे कुटा हुआ गरम मसाला डालेंगे और इसको अच्छे से चला लेना है। और 1 से 2 मिनट के बाद हम इसमें जो बचा हुआ गरम मसाला था वो फिर डाल देंगे। तो देखिए, यहाँ पे मैंने वो बचा हुआ गरम मसाला भी डाल दिया है। अब इसको हम चला लेंगे, और चलाने के बाद इसको आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे, ताकि ये धीरे धीरे अच्छे से पक जाए। इसको पकने में करीबन 1 घंटा लगता है। और देखिए, 1 घंटे के बाद हमारा मटन जो है बिल्कुल रेडी है। तो धनिया के पत्ते से सजाइए, और रोटी, चावल, जिसके साथ मन करे इसको सर्व करें।